Assalamualaikum everyone, Assalamualaikum dear friends, বন্ধুরা কেমন সব দোস্ত কেমন আছেন সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো জি হাসান ভাই क्या देखने आज क्या वीडियो भेजा गया आज हमने वीडियो देखना है फ्री मोशन का उसकी इतनी फरमाइश आ रही थी बांग्लादेश से कहते फ्री मोशन का वीडियो देखो ओके आ गया न्यू आया न्यू वीडियो आया चलो अभी लगा लेते हैं भाई फ्री मोशन बाय फिरोज हसन ना जी फिरोज भाई का वीडियो है फिरोज भाई के जितने भी वीडियो है कमाल अच्छा ये वाला है ना ये आया कल यस ओके चलो मैं प्ले करता हूँ इसको आज देखते हैं फिरोज भाई क्या करने वाले हैं लेकिन काम वो अच्छा ही करते हैं यार अपने क्यों सर बुझी नहीं अपना लगभग Assalamualaikum. Bappu te koi jan? Bangari basement. Naam ki tumar? Farhad. Tumar kisu lagbo? Ki lagbo? Pen. কোথা পেন আরে প্যান্ট কিনা দিয়েন পরে দেব তোমার আরেকটা দিতেছি তোমার আরেকটা দিতেছি না সকাল থেকে আইসা এখন তো বাজে আড়াইটা আচ্ছা এই বেলপুরি আছে কতটুকু 1500 আর এটা এটা পরে এটা শুকি শুকি মতন আছে 400 এক প্লেটে কয়টা থাকে 10টা করে থাকে আপনার আসে হলো 1200 টাকা 1200 আর হলো 1500 আপনার আসে 2700 টাকা আচ্ছা আপনার 2700 আমি তো আপনার এমনি টাকা দিই নাই হ্যাঁ তাহলে আমি এখন আসি হ্যাঁ না এগুলো থাক এগুলো আজকে যারে মন চায় আরে ফ্রি দিবেন যারে মন চায় আরে এতে সেল দিবেন আসি
यार बहुत ही अच्छी वीडियो थी, उनकी वीडियो हमेशा अच्छी होती है। तारीफ क्या करें, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। और कैसी लगी ये वीडियो आपको? वीडियो बहुत जबरदस्त, इनकी जितने भी वीडियो है जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसा ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी कमाई में और बरकत डाले, अल्लाह पाक इन्हें और हिम्मत दे, अजर दे, स्वाब दे, अल्लाह पाक इन्हें और ज्यादा तौफीक दे। जी बिल्कुल, आमीन। और उस्मान भाई? जी बिल्कुल, इनकी वीडियो सारी बहुत अच्छी होती है, अल्लाह पाक इन्हें और बिल्कुल। और गाइस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फिरोज भाई की वीडियो के नीचे आप जो है ना हैशटैग सपोर्ट ह्यूमैनिटी जो है ना वो हैशटैग कर दिया करें, और उससे ये होता है कि हमें अच्छा लगता है कि आप लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वीडियो जो है बहुत से दूसरे भाइयों तक पहुँच जाती है, ताकि वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलता है कि यार इस तरीके से हम भी छोटी छोटी चीज़ों के जरिए जो है ना हेल्प कर सकते हैं, जितनी हमसे हो सके उतनी हमें करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। यार आप अपने पहले देखें कि सबसे पहले तो आप अपने खानदान में देखें कि आपके खानदान में सबसे पहले कौन है। फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर फैमिली, हाँ अपनी फैमिली में देखो राउंड अबाउट के कौन है जिसको हम दे सकते हैं, मतलब जो हकदार है। बहुत से हैं हमारी फैमिली में, देख लो बहुत से हैं। बिल्कुल हर फैमिली में होते हैं यार, अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी होती है, आप दूसरी फैमिली का भला कर सकते हैं। वो आपके रिश्तेदार हैं, जाके उनसे पूछें तो आपको किसी चीज की कमी है उनके घर बगैर। मैंने कल एक वीडियो देखी है एक बंदे की, उसने बताया कि अगर आपका कोई अमीर खानदान है, आपसे ज्यादा अमीर है, तो उसके घर बगैर इनविटेशन के मत जाओ। अगर कोई आपसे नीचे है, थोड़ा गरीब है, तो उसके घर बगैर इनविटेशन बिन बुलाए इनके घर चल जाया करो, उन्हें ज्यादा खुशी होगी। हाँ बिल्कुल। और अच्छा ये देखो एक चीज ये है कि हमने ये बात की है कि सबसे पहले हमें अपने रिश्तेदारों में, जैसे कि हम ज़कात की अगर बात कर लें तो सबसे पहले अपने रिलेटिव्स में देखना चाहिए। लेकिन आजकल आपको ये पता है हर फैमिली में, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये है कि अपने रिलेटिव्स को देना, बहुत से स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं ना वो कहती हैं कि नहीं ये नहीं करना, बाहर दे दो, अपनों को नहीं देना। ये मतलब होती है कि अपनों को नहीं देना, बाहर दे दो, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वो तो ऐसे है, वैसे है, ये बातें करता है, वो बातें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आपने सबसे पहले जब हमें हुक्म है इस्लाम में ये है कि अपने पहले रिलेटिव्स देखो, नेबर्स देखो, हमसाये देखो, सबसे पहले अपने हुकूक की बात देखें, आप अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर अपने मोहल्ले में देखें, फिर अगर वहां भी नजर नहीं आता तो फिर आपने बाहर निकलना है, आपको सड़क पर इधर उधर, आपको साहबे अतात, मतलब जो हकदार है, जो हकदार है उसको फिर आप अगर दे कोई सकते नहीं नजर आता, उस्मान को देखें तो गैस यही वीडियो था आज का, और हम यही बात कर रहे थे कि आप अगर इर्द गिर्द देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसे ही आप देखो ना, पहले अगर हम रिलेटिव्स को कवर कर लें, जो अमीर हैं वो सबको कवर कर लें, फिर नेबर्स को कर लें नेबर्स के साथ साथ, तो आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ, श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी गरीब नजर आएगा ही नहीं। अगर हर इंसान फिरोज भाई जैसा सोचे तो मेरा ख्याल है कि हर मुल्क से गरीबी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो गाइस वीडियो बहुत अच्छा था, अभी तक के लिए इतना ही, देने इजाजत रखें, बहुत सारा ख्याल, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए अपना ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सुस्त थाकुन, अल्लाह थाकुन।